हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी बैढ़न में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी हमारे केमिस्ट्री सीरीज़ के अगले लेक्चर वीडियो में उपस्थित हैं और आज हम अपना अगला लेक्चर पढ़ेंगे, देखेंगे। हमें उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। और आप सभी का लाइक कमेंट्स भी हमें बीच बीच में मिल रहा है, लेकिन उम्मीद के अनुसार नहीं। तो इसी चैप्टर के, जैसा कि हम सभी पिछले लेक्चर में दो वीडियो हो चुके हैं इस चैप्टर के, अर्थात चैप्टर 9 के, जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करने वाले थे, दो लेक्चर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप तक पहुँच भी चुके हैं। और आज का यह वीडियो तीसरा होगा जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं और उनके प्रकारों को पढ़ा था, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनको हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम तीसरा प्रकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले, यदि आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियोस की लिंक आप तक पहुंचते रहे, सबसे पहले पहुंच जाए, और हमारे वीडियो को लाइक करें। अंत में अपना कमेंट भी अवश्य दें, ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो सके। और एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें, और अंत में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तो चलिए, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन का तीसरा प्रकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जैसा कि नाम से ही एरोमेटिक, अर्थात एरोमा उपस्थित होगा, तो एरोमा अर्थात सुगंध। एरोमा का मतलब है सुगंध। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों में एरोमा की उपस्थिति होती है, जिसे सुगंध कहा जाता है। और यही वजह है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का ही एक उपनाम है, इसे एरीन कहा जाता है। ये हमें हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उपनाम क्या है, या उसे और क्या कहा जाता है, तो एरीन कहा जाता है। और एरीन क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एरोमा की उपस्थिति होती है। एरोमा अर्थात सुगंध, अर्थात सुगंधित पदार्थों वाले कार्बनिक यौगिकों को, हाइड्रोकार्बनों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये उपनाम और इसमें किसकी उपस्थिति होती है, ये देखा हमने। अगर परिभाषा देखें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की परिभाषा देखें, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, तो इसकी परिभाषा होगी कि वे चक्रीय यौगिक जिनमें जिनके जो रासायनिक गुण होते हैं, अर्थात किसी भी कार्बनिक यौगिक या किसी भी हाइड्रोकार्बन जिसका रासायनिक गुण बेंजीन से समानता प्रदर्शित करता है, अर्थात बेंजीन के समान गुणों वाला होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बनों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे चक्रीय यौगिक जिनके रासायनिक गुण बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब बेंजीन नाम आ रहा है, तो बेंजीन हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि ये इस प्रकार का है। बेंजीन यहां 1, 2, 3, 4, 5 और 6 परमाणुओं के लिए जगह होती है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है बेंजीन का, C6H6, ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र है, ये संरचना है। यहाँ 6 परमाणुओं के लिए जगह होती है। तो
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही होंगे जो रासायनिक गुणों में बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते होंगे। तो बेंजीन क्या है ये हम देख रहे हैं, ये संरचना है बेंजीन की, रासायनिक सूत्र है C6H6 और इसी से समानता करने वाले और कार्बनिक यौगिक होंगे जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो एरोमेटिक होंगे। तो सबसे पहले हम बेंजीन के बारे में थोड़ी और जानकारी हम देख लेते हैं। तो बेंजीन की उपस्थिति अगर देखा जाए हमारे सामान्य व्यवहारों में या आसपास में, तो ये पेट्रोलियम उत्पादों में उपस्थित होता है। कौन? बेंजीन। पेट्रोलियम उत्पादों में बेंजीन की उपस्थिति होती है और इसके बारे में या इसे खोजने के लिए या इसे प्राप्त किस तरह किया गया, तो इसकी जो प्राप्ति होती है वो कोयले से कह सकते हैं, किस प्रकार होती है ये देखते हैं। तो बेंजीन की जो प्राप्ति होगी कोयला, इसका शुष्क आसवन होता है, कोयले के शुष्क आसवन से इस प्रक्रिया के बाद क्या प्राप्त होगा, इस प्रक्रिया के बाद अलक तरा प्राप्त होता है। किसके शुष्क आसवन से? कोयले के शुष्क आसवन से अलग तरह प्राप्त होता है और फिर इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है और इसके प्रभाजी आसवन के द्वारा या इसके बाद यह बेंजीन की प्राप्ति होती है। अगर प्रयोग द्वारा प्राप्त करें तो या पेट्रोलियम उत्पादों में या पेट्रोलियम में ही इसकी उपस्थिति होती है, अर्थात आसवन के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। कोयले का शुष्क आसवन करते हैं तो अलग तरह नामक पदार्थ प्राप्त होता है, इसका पुनः प्रभाजी आसवन करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। और आसवन, शुष्क आसवन या प्रभाजी आसवन क्या होते हैं इनके बारे में हमारा वीडियो बन चुका है, इनके बारे में पूरी जानकारी हमने देखी है, पढ़ी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो अभी हमारे चैनल पे जाएं और उसे देखें ताकि यहाँ का ये समझ में आ जाए कि कौन सी प्रक्रिया कितनी देर तक और किस प्रकार से होती है। इसके बाद बेंजीन की प्राप्ति सबसे पहले किसने की, किस उत्पाद से की, ये भी हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले फैराडे ने 1825 ईस्वी में बेंजीन को प्राप्त किया था, अर्थात बेंजीन को प्राप्त करने वाले सबसे पहले रसायनज्ञ कौन थे? फैराडे। कब किया इन्होंने? सन 1825 ईस्वी में। और इन्होंने ही कोयले के शुष्क आसवन से अलग तरह और अलग तरह के माध्यम से बेंजीन की प्राप्ति की थी, अर्थात फैराडे ने अलग तरह उत्पाद के माध्यम से बेंजीन को प्राप्त किया था सन 1825 में और सबसे पहले प्राप्त किया था। इसके बाद एक रसायनज्ञ है मीट शर्ले, मीट शर्ले, इन्होंने सन 1834 ईस्वी में बेंजोइक अम्ल, ये उत्पाद है बेंजोइक अम्ल, इसके माध्यम से बेंजीन को प्राप्त किया था। तो मिटसरले ने भी बेंजीन को प्राप्त किया लेकिन किसी और उत्पाद से और फैराडे के बाद प्राप्त किया था। तो फैराडे ने सबसे पहले प्राप्त किया 1825 में, किससे? अलग तरह उत्पाद से।
और मिड सर्ले ने 1834 में प्राप्त किया था बेंजीन को, लेकिन बेंजोइक अम्ल से, अर्थात दूसरे उत्पाद से या दूसरे पदार्थ से। इसके बाद 1845 में हाफमैन ने, 1845 ईस्वी में हाफमैन नाम के रसायनज्ञ थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया था कि अलग तरह में ही बेंजीन की उपस्थिति होती है, अर्थात अलग तरह जो पदार्थ है उसमें बेंजीन की कुछ मात्रा मिली हुई होती है। यह सिद्ध किया था कि इन्होंने, हाफमैन ने, सन 1845 ईस्वी में अपने प्रयोगों के द्वारा। तो ये बेंजीन के संबंध में कुछ प्रमुख वैज्ञानिक या रसायनज्ञ, और उनको प्राप्त करने का टाइम या किस तत्व से प्राप्त किया ये था। और जो उपस्थिति होती है पेट्रोलियम उत्पाद में, इसकी उपस्थिति होती है जिसे बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, और एक दूसरा माध्यम है अलग तरह से प्राप्ति, ये भी वर्तमान में प्रकृति में या वैज्ञानिकों के उपयोग के लिए इसके माध्यम से अधिक मात्रा में बेंजीन की प्राप्ति की जाती है। तो ये इतना बेंजीन के बारे में रहा। और बेंजीन को हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ रहे हैं, जो कि अपनी समान रासायनिक गुणों में बेंजीन के समान अपने गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जो बेंजीन है और जैसी संरचना हम बेंजीन की देख रहे हैं, इसी प्रकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों की भी संरचना होती है। वह अलग बात होगी कि यहाँ एक बेंजीन के, बेंजीन का एक वलय है, हो सकता है दो वलय में हो, तीन वलय में हो, चार में हो, या और अधिक संख्या में हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ कह रहे हैं बेंजीन का वलय। तो जो ये पूरा संरचना हुआ है, ये छह परमाणुओं वाला, इस पूरी संरचना को कहेंगे बेंजीन का वलय। तो ये एक वलय हुआ, अगर ऐसी संरचना रही तो ये दो वलय हो गया, ये रही तो ये तीन वलय हो गया। और इस वलय वाला भी अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो इसे भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो इतना रहा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। बेंजीन के बारे में हम सभी फ्रेंड्स, बहुत उपयोग करने वाली चीज है, जो कि बेंजीन का ही, बेंजीन से प्राप्त है, या उसके गुणों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके या कुछ अन्य क्रियात्मक समूहों को जोड़ करके प्राप्त हुआ है, और बहुत सामान्य दिनचर्या में उपयोग किया जाता है। तो उसका उदाहरण बेंजीन का अगर हम देखें तो फिनॉल, फिनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH, अर्थात इसमें जो बेंजीन है हमारा, अर्थात C6H6, अर्थात कार्बन के छह परमाणु और हाइड्रोजन के छह परमाणु, यहां यहां कार्बन है, ये छह कार्बन हो गए, इनसे छह हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से ये संरचना है। इसमें ये क्रिया होती है कि जो AOH अर्थात हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह है, वो बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, अर्थात वहां से हटाकर खुद वहां पर अपनी जगह बना लेता है। और इस प्रकार फिर जो उत्पाद प्राप्त होता है इसे ही कहा जाता है फिनॉल। अर्थात फिनॉल की जो रासायनिक संरचना है वो ये होगी, अर्थात कार्बन के तो छह परमाणु ही रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के पांच परमाणु हो जाएंगे, और एक हाइड्रोजन परमाणु की जगह उसे हटाकर वहां पर OH हाइड्रोक्सिल समूह आ जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन के एक परमाणु को
प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये बेंजीन का एक उदाहरण है, फिनॉल, जो कि सामान्य दिनचर्या में भी प्रयोग की जाती है। इसके बाद हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे, उनको हमने देखा और बेंजीन से समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए हमने बेंजीन को देखा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के प्रकारों को हम अभी देखते हैं। तो ये मुख्यतः दो रूपों में होते हैं, एक क्योंकि ये बेंजीन के ही समान है तो बेंजीन के ही आसपास है, तो दो प्रकार है, एक होगा बेंजीनोडाइड और दूसरा होगा नॉन बेंजीनो डाइट। जैसा कि यहां नाम से ही देखें तो दो प्रकार है, एक प्रकार जिसमें बेंजीन उपस्थित होंगे अर्थात बेंजीन के वलय उपस्थित होंगे, दूसरे में बेंजीन के वलय उपस्थित नहीं होंगे। तो हम अभी इसे अच्छे से देख लेते हैं कि बेंजीनोडाइड और नॉन बेंजीनोडाइड क्या क्या है। तो जो बेंजीनोडाइड है इसमें कम से कम बेंजीन का एक वलय अवश्य ही उपस्थित होता है, अर्थात ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें बेंजीन का कम से कम एक वलय अवश्य उपस्थित हो तो वो बेंजीनोडाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। कम से कम एक हो अर्थात ज्यादा दो तीन चार या दस, ये अधिक संख्या में हो सकते हैं लेकिन बस जीरो नहीं हो सकता। और नॉन बेंजीनोडाइड में क्या होता है, नॉन बेंजीनोडाइड में होता है कि ये इसमें बेंजीन का एक भी वलय नहीं होता अर्थात ये संरचना नहीं होती है, अर्थात बेंजीन की संरचना के समान नहीं होता है इनकी संरचना, लेकिन फिर भी रासायनिक गुणों में ये बेंजीन के समान ही होते हैं, अर्थात बेंजीन के वलय उपस्थित नहीं है लेकिन गुणों में उसी के समान है। इस कारण से दूसरा प्रकार है नॉन बेंजीनोडाइड और बेंजीनोडाइड जिसमें बेंजीन का कम से कम एक वलय अवश्य हो, एक वलय अर्थात ये संरचना, अगर दो वलय हुआ तो ये होगी संरचना। तीन हुआ तो इसी तरह एरोमेटिक श्रृंखला या श्रेणी बढ़ती जाएगी। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार रहे, बेंजीनोडाइड और नॉन बेंजीनोडाइड। इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसा कि हमने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जब पढ़ा था उनके भी प्रकार सामने आए थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उन सभी का रासायनिक सूत्र हमने देखा था। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के भी रासायनिक सूत्रों को हम देखते हैं। तो जो इसका सूत्र होता है, सामान्य सूत्र इसे प्रदर्शित करने के लिए, वो होता है CnH2n-6y। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था, तो एल्केन का था CnH2n+2। इसी प्रकार हमने एल्कीन का भी देखा था और एल्काइन का भी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर याद हो, आपने पिछला वीडियो देखा हो, तो कमेंट करके एल्कीन और एल्काइन दोनों के सामान्य सूत्र लिखकर हमें भेजें। और यदि आपने हमारा यही इसी चैप्टर का पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपको ज्यादा उपयोगी साबित हो, ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के समान सूत्र है CnH2n-6y। फ्रेंड जैसा अभी हमने एल्केन का सूत्र कहा CnH2n+2, यहां जो एक चर राशि आ रही है वो है n, और n क्या था,
परमाणुओं की संख्या। लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस सूत्र में एक और चर राशि आ रही है, वो है वाई। तो वाई क्या होगा? तो इसमें वाई है, यन वाई होगा परमाणुओं की संख्या। और y हो जाएगा इसमें वेंजीन वलय की संख्या। अर्थात वेंजीन का कितनी संरचना इसमें शामिल है वो संख्या होगी। इस प्रकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का ये रासायनिक सूत्र सामान्य सूत्र है। अब अगर इसमें हम तत्वों को देखेंगे तो ये भी हम देखेंगे। अभी पहले हम वो श्रेणी जान लेते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों में भी क्या क्या उपनाम है, क्या नाम है, उनकी विशेषता क्या है, ये हमने देखा। अब हम उनकी श्रेणी देखेंगे, उनके सूत्र देखेंगे, जहां से परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने भी कहा कि सबसे पहले हम अभी श्रेणी देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने टेंथ तक का भी केमिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत ध्यान होगा। हमने केमिस्ट्री में जब हाइड्रोकार्बन या कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया होगा तो उसमें एक श्रेणी मिली होगी हमें, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, हेक्सा, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेका। एक कोई कम हो रहा है, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। ब्यूट के बाद पेंटा। तो ये श्रेणी मिलती होगी, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंटा, हेक्सा, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेका। इन्हीं पे हमने जो अभी देखा था हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार, जो जो हमने ज्ञात किया देखा जाना, जैसे कि एल्कीन और एल्काइन, और यहां हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी देखे थे इसी प्रकार, और एल्कील भी होता है एक, तो श्रेणी पूरी यही होती है। इन सभी के अनुसार यहां अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग रासायनिक सूत्र होता है या सामान्य सूत्र होता है। तो अगर जैसा कि हम यहाँ सामान्य सूत्र पहले देखते हैं, एल्केन का होता है CnH2n+2। तो यही इसमें परमाणु की संख्या एक ली जाती है, अर्थात n की संख्या जो होती है, यहाँ जैसे n आ रहा है, इनकी जगह एक लिखा जाता है तो उसमें आता है मेथ। यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दसवें वाले को डेका, अगर पांचवी वाले की श्रेणी में पांचवी वाले को पूछा जाए तो पिंटा, दूसरे को पूछा जाए तो एथ, तीसरे को प्रॉप, आठवें को अगर पूछ लिया जाए तो ऑक्ट, इस प्रकार से। तो एल्केन में यहाँ एल्क इन जुड़ रहा है, तो यहाँ एन जुड़ जाएंगे, मेथ में एन तो मेथेन, एथ में एन तो एथेन, प्रॉप में एन तो प्रोपेन, ब्यूट में एन तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, सब में एन जुड़ जाएंगे और
सूत्र जो कि एल्केन स्टडी का है CnH2n+2, और हम पहला देख रहे हैं यहाँ n की संख्या हम कितनी लेंगे दोस्तों, तो यहाँ हम लेंगे एक। तो अगर यहाँ हमारा सूत्र है CnH2n+2, अर्थात n की जगह हम क्या लेंगे एक, H 2 यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है गुणा, तो 2 × 1+2 अर्थात C1H2 + 2 अर्थात C1H4, और 1 संख्या नहीं भी लिखी जाती तब भी हम उसे एक ही मानते अर्थात CH4। ये सूत्र हुआ किसका फ्रेंड्स, फिर मीथेन का, मीथेन का सूत्र हुआ CH4 और ये मीथेन। एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है कौन, मीथेन, ठीक है। अगर यहां परमाणुओं की संख्या पूछी जाए तो एल्केन में कार्बन की संख्या कितनी है यहां पे एक, और हाइड्रोजन की संख्या है 4। इसी प्रकार मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटा, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन सबका सामान्य सूत्र हम निकालेंगे। अभी इसे हम रफ करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबका सामान्य सूत्र हमने पिछले वीडियो में बताया था, देखा था, एल्केन का था CnH2n+2, एल्कीन का था CnH2n और एल्काइन का था CnH2n-2, और एल्कील इसकी परिभाषा अभी हम आपको बताते हैं। तो एल्कील की परिभाषा, इससे भी सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। एल्कील एल्केन समूह के सदस्यों में से या किसी भी सदस्य के कार्बन या हाइड्रोजन परमाणुओं में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन यही दोनों ही होगा, संख्या परमाणुओं की अलग अलग हो सकती है। तो एल्केन समूह के सदस्यों में से जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनकी संख्या को अगर एक कम कर दिया जाए तो फिर कौन से समूह में आ जाएगा वह सदस्य, एल्कील समूह का सदस्य फिर वो हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी देखा था एल्केन समूह का पहला सदस्य था CH4 मीथेन, ये एल्केन समूह का है हमने अभी देखा था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जितनी है, तो अगर फ्रेंड्स हम यहां देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है एक है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4। और एल्कीन की परिभाषा यही कहती है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में से एक को कम कर दिया जाए तो फिर वो एल्कील बन जाता है, अर्थात 4 में से अगर 3 हो जाए हाइड्रोजन, अर्थात कार्बन वही रहेगा जो पहले था, हाइड्रोजन एक कम हो जाए अर्थात H4 की जगह H3 हो जाए, तो अब ये किस समूह का सदस्य हो गया, एल्कील समूह का। तो मेथ तो था ही पहला, अब इसमें क्या जुड़ेगा फ्रेंड्स, इल, क्योंकि वो किस समूह का सदस्य हुआ एल्किल, तो ये किसका सामान्य सूत्र हो गया, ये मेथिल का। तो मेथिल का सामान्य सूत्र क्या हुआ CH3। तो ये परिभाषा थी एल्किल की, एल्केन समूह के सदस्यों में से किसी भी सदस्य के एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर दिया जाए तो वह एल्किल समूह का सदस्य हो जाता है। अभी हमने देखा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल सबके लिए 10-10 सदस्य बनेंगे सभी श्रेणियों में, और सभी श्रेणियों में हम प्रत्येक सदस्यों का सामान्य सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ हम इस वीडियो में
सूत्र को निकालना सभी का नहीं देखेंगे अलग अलग, आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे के लेक्चर में हम सभी श्रेणियों के सामान्य सूत्र बहुत आसानी से निकालेंगे और लिखेंगे भी, और अगर किसी सदस्य की कोई खास विशेषता रही तो उसे भी जानेंगे। अगर आपको ये सभी जानकारियां प्राप्त करनी है तो आप अगले वीडियो का इंतजार करें और लिंक पहुंचते ही उसे अवश्य देखें। आज के लिए धन्यवाद।